नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शामली। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं गन्ने की उत्पादकता के ऊपर। हमारा जनपद शामली गन्ने की उत्पादकता में पिछले 4 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। उसके पीछे जो हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जो मैंने यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जारी किया था, लागू किया था, वो था 5T with 1V। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे क्षेत्र के लिए बेहद ही अनुकूल थी और बेहद ही आवश्यक थी कि हमारे क्षेत्र में, जो हमारा गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, इसमें हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को हम एक साथ मिलाकर किस प्रकार एक टूल बनाएं जिससे हमारे क्षेत्र का उत्पादकता सर्वाधिक पहुँच सके। हम पिछले 4 सालों से इस टेक्नोलॉजी को हम फार्मर्स के फील्ड पर लागू कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2018-19 से लेके और 2021-22 तक लगातार हम पिछले 4 वर्षों से गन्ना उत्पादकता के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। जो हमने सर्वप्रथम, जब हमारा कृषि विज्ञान केंद्र शामली में यहाँ पर बना था और मेरा जो यहाँ पर स्थानांतरण मेरा हुआ था, तो मैं 2018 में ही यहाँ पर आया था। तभी से इस टेक्नोलॉजी को फार्मर्स के फील्ड पर यहाँ प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 18-19 से ही हमारा जनपद उत्पादकता के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आ गया था। जो ये टेक्नोलॉजी थी 5T with 1V, हमने 6 टेक्नोलॉजियों को एक साथ लेके आए हैं, जिसका फलस्वरूप 2018-19 में हमारे जनपद की जो उत्पादकता थी वो 962 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर पहुंच चुकी थी। उसी को हमने लगातार आगे बढ़ाते हुए 2019-20 में हमारी उत्पादकता 990 क्विंटल तक पहुँची और 2020-21 में हमारी उत्पादकता 1004 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम पहुंच गए। इसी के परिणाम स्वरूप हमने ये जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स के फील्ड पे लागू की थी, उसी के परिणाम स्वरूप 2021-22 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादकता हम पिछले 4 साल से ले रहे थे, उसी को लगातार बरकरार रखते हुए हम 2021-22 में हमारी जो उत्पादकता 1014 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की हमें प्राप्त हुई है। जो ये हमारी उत्पादकता है, हमारे प्रदेश की जो एवरेज उत्पादकता है उसकी तुलना में भी ज़्यादा है, और जो हमारे राष्ट्र की नेशनल हमारी शुगर प्रोडक्टिविटी है, शुगर केन प्रोडक्टिविटी है, उसकी तुलना में भी ज़्यादा है। हम पिछले कई सालों से उत्पादकता के मामले में राष्ट्र के स्तर पर बात करें या अपने राज्य के स्तर पर बात करें, हम दोनों की उत्पादकता से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर रहे हैं। इस जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको हमारे जनपद में लागू करने के लिए जो हमारी यहाँ की आदरणीय जिलाधिकारी महोदय है जसजीत कौर जी, उनकी जो डायनेमिक लीडरशिप के साथ में हमने इस टेक्नोलॉजी को फार्मर्स फील्ड पे पहुँचाया। हमारी जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने हमारे जो जनपद स्तरीय कार्यक्रम है या ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है या विलेज स्तरीय कार्यक्रम है, उन सब में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और इस टेक्नोलॉजी को स्वयं एनालिसिस किया है। हमारे फार्मर्स के फील्ड पर जाकर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो क्रॉप कैफेटेरिया में ये टेक्नोलॉजी लगी है, वहाँ पर समय समय पर कई बार हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसका भ्रमण कर स्वयं इस टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। इसी के साथ साथ जो हमारे जनपद के जिला गन्ना अधिकारी है, उनका सहयोग, हमारे जनपद की सभी शुगर मिलों का सहयोग, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पॉजिटिव प्रगतिशील कृषक है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, आधार पर ही हम आज प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर पहुंचे हैं। हमने मंडल स्तर पर भी अनेक गोष्ठियों में अपने क्षेत्र के किसानों को प्रेरित किया है। जनपद स्तर पर हमने गन्ना उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अनेक गोष्ठियां की हैं, ब्लॉक स्तर पर अनेक गोष्ठियां की हैं, विलेज स्तर पर अनेक गोष्ठियां की है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है हमारे जनपद शामली द्वारा किया गया है, इसमें जो मेरे द्वारा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर गन्ने की क्रॉप कैफेटेरिया लगाई गई है, जिसमें प्रतिदिन बहुत सारी संख्या में किसान यहाँ पर आकर इसको देखते हैं और इससे प्रभावित हो रहे हैं कि किस प्रकार हम गन्ने की तकनीकी को अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र शामली पर ही शुगर केन प्लांट हेल्थ क्लिनिक बनाया गया है, जिसमें लगातार कृषक भाई अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और वहीं पर हम उनका निवारण करते हैं। इसके साथ साथ कई अन्य और स्टेप्स हमारे द्वारा लिए गए, जैसे YouTube के माध्यम से हमने किसानों के बीच पहुंचने के लिए लगभग 40 वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है, जिसमें आप देख पाएंगे कि उन 40 वीडियो में गन्ना उत्पादकता को किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, हर एक पहलू को हमने कवर करने का प्रयास किया है।
जो ये टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर बताई है, यदि आप इन टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर भी वहाँ पर इन वीडियो को देख सकते हैं। डॉक्टर विकास कुमार मलिक नाम से आपको चैनल मिलेगा। इस चैनल में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर मेरी सभी वीडियो के लिंक अवेलेबल है। आप उनमें जाकर जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है 5G with 1V, इनका संपूर्ण ज्ञान वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने जनपद के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें लगातार किसानों की जो समस्याएं हैं वो हमारे पास आती है और मैं उनका समाधान वहीं पर व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल, ताकि कोई समय हमारे और किसानों के बीच में गैप ना हो, जो उनकी समस्याएं हैं तत्काल उसका निवारण वहाँ पर हो सके। इसी के साथ साथ हम कृषकों के फील्ड पर जाते हैं, वहाँ पर डायग्नोस्टिक विजिट करते हैं, जो समस्याएँ होती है उसका निवारण करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे द्वारा जो जितने भी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जितने हमारे किसान दिवस आयोजित किए जाते हैं, उनमें भी मेरे द्वारा गन्ना उत्पादन तकनीकी, जो हमारे कृषक जागरूक कृषक वहाँ पर आते हैं, या अन्य जो जनपद स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, गोष्ठियाँ होती है या मीटिंग्स होती है, उनमें भी हम किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा बिंदु अछूता न रहे कि हम टेक्नोलॉजी हमारे किसानों तक ना पहुँचे। हर एक बिंदुओं को हमने कवर करने का प्रयास किया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी टॉक हो, रेडियो टॉक हो, उसके माध्यम से भी हम किसानों को जागरूक करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जनपद आज उत्पादकता के क्षेत्र में नंबर वन है। और जो लगातार हमारा प्रयास है कि हम इस उत्पादकता को लगातार बनाए रखेंगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र शामली पर मेरे द्वारा गन्ने की शुगर केन प्लांट हेल्थ क्लिनिक चलाया जा रहा है, शुगर केन क्रॉप कैफेटेरिया लगाया जा रहा है, इसका अवलोकन मान्य राज्यपाल महोदय द्वारा भी किया गया है, और समय समय पर अन्य मंत्री समूहों द्वारा भी हमारे क्रॉप कैफेटेरिया, शुगर केन प्लांट हेल्थ क्लिनिक या जो भी हमारी गतिविधियां हैं, उनमें जितने भी जनप्रतिनिधि है, मान्य सांसद महोदय, मान्य विधायकगण, सभी लोग एकजुट होकर गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र शामली के साथ में हमारे इस प्रयास को बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करते रहते हैं। मैं उन सभी का भी आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।